स्वागत है आप सभी का नेशनल खबर पे। और आज के इस खास प्रोग्राम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं माइक्रो निडलिंग के बारे में। आखिर ये चीज क्या है और स्किन के लिए किस तरीके से हेल्पफुल है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। और आज हम मौजूद हैं लाफेमिक्स डर्मा में, जो कि नोएडा के सेक्टर 50 में मौजूद है। और यहाँ पर स्किन, हेयर, लेजर सभी तरीके की ट्रीटमेंट्स की जाती हैं। और अभी मेरे साथ मौजूद हैं जानी मानी डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर चंचल मैम। वेलकम फर्स्ट ऑफ ऑल। आपका भी हमारे स्किन, हेयर एंड लेजर क्लिनिक लाफेमिक्स डर्मा में स्वागत है। थैंक यू सो मच डॉक्टर चंचल। और माइक्रो निडलिंग जो चीज़ है, ये आजकल काफ़ी ज़्यादा हम सोशल मीडिया पे देख सकते हैं, इसका काफ़ी ट्रेंड चल रहा है कि काफ़ी लोग माइक्रो निडलिंग को प्रमोट भी करते हुए नजर आते हैं। तो आखिर ये चीज़ क्या है और स्किन के लिए किस तरीके से काम करती है? यस, बेसिकली माइक्रो निडलिंग इज ऑल्सो नोन एज परकुटेनियस इंडक्शन ऑफ कोलेजन। ओके ओके, अ यूथफुल ग्लो, अ यूथफुल ग्लो। ओके ओके, फॉर अ ग्लो, इट इज यूज्ड फॉर ग्लो। ओके यस, बट हाउ, व्हाट टाइप ऑफ ग्लो? यूथफुल ग्लो। ओके, या यंग ग्लो, हाँ, जो सबको चाहिए आज के टाइम में। सो माइक्रो निडलिंग, एज वी नो, स्किन एजिंग इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। राइट राइट, उसमें बायोलॉजिकल प्रोसेस भी होता है, हार्मोनल फैक्टर्स भी रहते हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेस भी इन्वॉल्व है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी रहते हैं। ओके, सो स्किन एजिंग इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ इंटरनल इंट्रिंसिक फैक्टर्स, जैसे कि हार्मोनल, योर जेनेटिक्स फैक्टर्स, एक्सट्रिंसिक जो बाहर का एनवायरमेंट है, जैसे मैंने बोला सन एक्सपोजर, पॉल्यूशन। राइट, ओके, सो ये सब डिसाइड करते हैं आपकी लाइफ स्टाइल अबाउट द स्किन एजिंग। ओके ओके, अब व्हाट हैपन बेसिकली इन स्किन एजिंग इज, वी ऑल अवेयर कि वी हैव अपर स्किन एपिडर्मिस एंड अ लोअर स्किन डर्मिस। व्हेन वी टॉक अबाउट स्किन एजिंग, जी, नॉर्मली स्किन एजिंग में आपके कोलाजन प्रोडक्शन स्लो हो जाता है। ओके, आपके जो डर्मिस की सरफेस है उसका वो डिक्रीज हो जाता है विद एज। ओके, एंड फाइब्रोब्लास्ट जो रीजेनरेट करते हैं आपके एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को, जो हमारे स्किन में सप्पलनेस देता है, हाइड्रेशन को, प्लस कोलाजन को बूस्ट करता है, एग्जैक्टली दैट नंबर्स, और उनके साइज और नंबर भी डिक्रीज करते हैं एजिंग के साथ। ओके ओके, ठीक है। सो हाउ, सी, दिस इज हाउ द एजिंग प्रोसेस हैपनिंग बेसिकली एट द डर्मिस लेवल। ओके, सो माइक्रो निडलिंग, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट माइक्रो निडलिंग, वी आर डूइंग सम माइक्रो पंक्चर्स, ओके, एट द स्किन अनटिल द डेप्थ ऑफ डर्मिस, कि हम डर्मिस तक कुछ माइक्रो पंक्चर कर सकें। ओके, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज माइक्रो निडलिंग। ओके, सो व्हेन वी हर्ड सम काइंड ऑफ पंक्चर वर्ड, सो ये एक पेनफुल वर्ड भी कहीं ना कहीं सुनाई देता है। सो इज इट पेनफुल प्रोसेस? नो, इट्स नॉट अ वेरी, इट्स नॉट अ पेनफुल प्रोसीजर। ओके, बेसिकली ऑब्वियसली कुछ बहुत फाइन निडल्स, मैं हमेशा यूज कर रही हूँ वर्ड माइक्रो निडल। ओके, मतलब माइक्रो मीन्स बहुत पतला, छोटा, स्मॉल। ओके, बिकॉज हमारी स्किन भी देखे ना, पतली सी तो है ना, तो स्किन निडल भी है, वी हैव टू टेक स्मॉल, सो बहुत माइक्रो निडल होते हैं। फिर भी वी नम द स्किन, उनको सबको पता है नमिंग क्रीम आती है, तो वी नम द स्किन, सो आपको पेन फैक्टर फील नहीं होगा। ओके, एंड वी डू अ लिटिल विद अ वेरी फाइन निडल्स, हम हल्का हल्का जो है माइक्रो पंक्चर्स करते हैं, उससे आपकी जो डर्मिस है वहाँ पर कोलाजन बूस्ट अप होता है। ओके ओके, अब फाइब्रोब्लास्ट जो है उनके नंबर और उनके एक्टिविटी, सेल एक्टिविटी इम्प्रूव होती है। ओके ओके, सो अल्टीमेटली यू विल हैव अ बेटर स्किन इलास्टिसिटी। ओके ओके, योर फाइन लाइंस विल नॉट बी फॉर्म्ड अर्ली, जल्दी नहीं आएंगे। ओके, और रिंकल्स की फॉर्मेशन स्लो हो जाती है। सो हम एजिंग को आपको रिवर्स कर रहे हैं, स्लो डाउन कर रहे हैं। राइट ओके, विद अ वेरी सिंपल एंड सेफ fast method. Is there any types of microneedling? Yes, there are types of needling. Very commonly, popularly known as dermaroller. Dermaroller, okay. Yes. In fact, कई लोग मैंने देखा है वो online भी आने लगा है आजकल. Dermaroller, they start doing dermarollers, but प्रिकॉशंस के साथ करना चाहिए, मेरी क्या ना। सो डर्मा रोलर, उसमें एक सिलेंडर होता है, उसमें बहुत सारी माइक्रो नूडल्स होती हैं, एंड बहुत तरह की डेप्थ भी होती है इसमें, 1 mm, 1.5 mm, 2 mm। ओके, सो
those derma rollers, there is a way to do it. Okay. Okay. And so we stretch the skin and we just rotate derma rollers in different directions. Okay. 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 This is one. Another is motorized derma pen. Motorized derma pen. Okay. Normally clinic में काफी use होता है. The advantage is कि इसमें cartridges होते हैं. ओके डिस्पोजेबल कार्ट्रिजेस होते हैं ओके एंड सो बीइंग मोटराइज्ड उसमें हम स्पीड जो है वो कर सकते हैं कि कितने स्पीड से हम उस प्रोसीजर को कर रहे हैं और कितनी डेप्थ हमें उसमें हम ये भी चूज कर सकते हैं कि कौन सी डेप्थ हमें लेनी है कि हमें 1 mm लेना है सो डेप्थ चूज कर सकते हैं और स्पीड डिसाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंगली हम जज करते हैं वो स्किन टाइप को देख के और क्या इंडिकेशन कर रहे हैं हम सिर्फ रिजुविनेट कर रहे हैं या स्कार रिडक्शन कर रहे हैं ओके सो डिपेंडिंग हम वी डू द डेप्थ डिसीजन दिस इज अनदर वे एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट इज डर्मा पेन स्टैम्प डर्मा पेन स्टैम्प डर्मा पेन इन व्हिच वी जस्ट डू अ स्टैम्पिंग ओके सम टाइम वी जस्ट डू अ स्टैम्पिंग विद डिफरेंट इंडिकेशंस एंड लास्टली देयर इज माइक्रो नीडलिंग आरएफ यस MNRF भी बोलते हैं वेयर वी आर इंट्रोड्यूसिंग रेडियो फ्रिक्वेंसी ऑल्सो अलॉन्ग विद द माइक्रोपिन्स ओके वॉट इज द एडवांटेज ऑफ रेडियो फ्रिक्वेंसी हेयर वी आर ऑल्सो गिविंग दी हीट थेरेपी ओके सो वी आर गिविंग ट्रॉमा वी आर डूइंग लिटिल पंक्चर ऑल्सो वी आर एडिंग द हीट Okay. okay, radio frequency. So it boosts up the collagen faster. Okay. Okay. Chikha. And it's very good for you know fine lines, open pores. Basically, ये कि anti-aging anti-aging okay. open pores. You know, any patient that comes for an open pore treatment, it's wonderful for an open pores treatment. So anti-aging, it's a wonderful anti-aging treatment. हाँ, अच्छा जैसे needles के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो क्या आप एक needle को बार-बार use करते हैं patients पे या अलग-अलग needles होते हैं? सब disposables होते हैं. Every patient has a different. We cannot use the same needles. That's it. These are disposable, used for every patient different pains. ओके सो क्या ये हर स्किन के लिए सूटेबल यस इट इज फॉर एवरी स्किन टाइप ओके एंड यू कैन डू इवन इफ यू हैव अ सेंसिटिव स्किन आल्सो वी कैन बिकॉज हेयर डॉक्टर डिसाइड कि व्हाट इज द डेप्थ जैसे मैंने बोला तो इफ यू हैव वेरी सेंसिटिव स्किन वी यू नो यूज द सेम टाइप ऑफ डेप्थ अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप ऑल्सो जैसे कि इंडिकेशन क्या क्या मैंने इंडिकेशन बताया फाइन लाइन्स ओके ओपन पोर्स एंड समटाइम वी एड PRP जैसे कि आपको स्कार्स हैं बहुत सारे स्कार हैं तो वी ऐड PRP अलोंग विद माइक्रो नीडलिंग वी ऐड अदर थेरेपीज आल्सो नॉट ओनली दिस फॉर स्किन रिजुविनेशन वी ऐड लॉट ऑफ सीरम्स वी यूज ग्लूटाथायन सीरम्स वी यूज विटामिन सी सीरम्स इन दिस ओके ग्लूटाथायन के बारे में मैंने अभी बिल्कुल बिल्कुल अभी चर्चा की हमने पिछले प्रोग्राम में हाइलुरोनिक एसिड सीरम्स वी हैव कॉकटेल ऑफ डिफरेंट पेप्टाइड्स व्हिच इज हम मीजो सीरम्स ओके सो सी हाउ मेनी सीरम्स व्हाई वी आर यूजिंग सीरम्स बिकॉज व्हेन वी आर डूइंग अ पंक्चर द एब्जॉर्प्शन ऑफ दिस सीरम गोज डाउन ओके Okay, we are not just putting on the upper skin. The absorption is enhanced. This is known as absorb हो रहा है skin absorb कर पा रही है. So this one is transcutaneous absorption. Okay. Okay. So from the skin, and the thing is, when we are giving a trauma to upper skin, na, it heals very faster because we are only doing very minute puncture. Okay. So there is what is the downtime? What just the redness, simple redness the patient has seen for 1 and 2 days. Okay, so इसका result क्या आता है? Shine, yes. youth shine, as I said, right. for a youthful glow, right? Okay, true. With a very simple treatment, right? Okay. तो इसका कितना ये कितना समय लेता होगा अगर कोई patient इसको कराता है? So जैसे इसमें पहले मैंने बोला numbing cream लगानी है, तो 45 minutes will put the numbing cream, okay? So that the patient should be comfortable रहेगा. I will remove the numbing cream and we clean the face with the antiseptic cleanser like alcohol swab. Once we clean it, then we'll start. We stretch the skin. If we are putting any serum, we put the serum and then we start doing the on different direction, either with the derma pen or derma roller, what we have chosen. तो आप opposite direction में? So different directions. अलग-अलग directions. Horizontal, vertical. So oblique. So we use different directions. Okay. Yes. So जब patient treatment करा रहा होता है उस दौरान और उसके बाद भी क्या precautions लेने बहुत जरूरी हैं? So
इफ अ पेशेंट हैज एन एक्टिव एक्ने, अगर आपको एक्टिव एक्ने है या इन्फेक्शन है, देन वी डोंट डू दिस माइक्रोनीडलिंग. ओके, सो वन एज अ पोस्ट केयर, पेशेंट को रेडनेस रहती है, सो कोई भी अगर आप रेटिनॉइड या विटामिन ए सीरम कोई लगा रहे हैं, सो आप नहीं लगाते हैं. अच्छा. कोई भी एक्सफोलिएटर लाइक AHA BHA सीरम भी आप 3 to 4 days तक नहीं लगाएंगे. सो दीज थिंग्स यू हैव टू रिमेम्बर. ओनली थिंग यू हैव टू अप्लाई गुड मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन एप्लीकेशन, एंड समटाइम आई डू गिव हीलिंग क्रीम्स. सो दीज थिंग्स यू हैव टू फॉलो फॉर 3 to 4 days. सनस्क्रीन एप्लीकेशन इज अ मस्ट. ओके, बस मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे और होगा कि कितनी सिटिंग्स लगती हैं इसको प्रॉपर. सो नॉर्मली आई यूजली गिव 4 to 6 सिटिंग्स टू अ पेशेंट, और इसका जो इंटरवल रहता है वो 2 weeks से लेके 4 weeks के सिंपल, सेफ, फास्ट एंड इकोनॉमिकल प्रोसीजर. वाह, दैट्स गुड कि हर स्किन जो ग्लो चाहता है वो जरूर करा सकता है. तो क्या इसका हम डेमो करके देख सकते हैं अगले प्रोग्राम में? बिल्कुल बिल्कुल, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं. बिल्कुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर चंचल. थैंक यू मैम. तो ये थी पूरी जानकारी, और माइक्रो नीडलिंग के बारे में लगातार हम चर्चा कर ही रहे हैं कि आप कैसे, जो लोग जवान दिखना चाहते हैं वो लोग कैसे कर सकते हैं, और ग्लो जो चाहते हैं अपने फेस पे वो कैसे ला सकते हैं. और ऐसे हम अगले प्रोग्राम में जो है पूरा प्रोसेस आपको करके दिखाने वाले हैं कि माइक्रो नीडलिंग आखिर किस तरीके से होती है, और उसके बाद आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़रूरी होगा. तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप नेचुरल खबर के साथ बने रहिए.